श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, तुम यहीं गंगा के किनारे बैठ करके किशोरी श्री राधिका रानी का स्मरण करते हुए गोविंद की कथा सुनो तो निश्चित रूप से किशोरी जी की कृपा प्राप्त होगी, और जिसके ऊपर किशोरी जी की कृपा हो गई, भगवान को आने में फिर देर नहीं है। जैसे नंद बाबा के ऊपर हो गई, तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, भगवान कहीं दूर थोड़े ही थे, नंद बाबा से कहीं बाहर थोड़े ही थे, कहीं जंगल से थोड़े ही आए, वो तो बाबा की अपनी आत्मा ही गोविंद है, वही तो आत्मज है। लेकिन कृपा की आवश्यकता है, दया की आवश्यकता है। जैसे ही दया हुई, जैसे ही कृपा हुई, तुरंत बाबा का ही आत्मज निकल करके उनके जीवन में प्रकट हो गया। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। और आज हमारे नंद बाबा का मन बहुत विशाल हो गया, बहुत बड़ा मन हो गया। और जब बड़ा मन हो जाता है ना, तो आदमी फिर लुटाता है, अरे आओ भैया खा पी करके जाओ, कुछ ले करके जाओ, बड़ी बड़ी दावत करता है, साधु संत ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी सुंदर भोजन व्यवस्था करा के दक्षिणा इत्यादि देता है। वही नंद बाबा ने किया। जितने गुरुदेव सांडिल्य ऋषि जी के साथ में संत और ब्राह्मण आए हैं, उन सभी से वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्म जस्य वही। नंद बाबा ने बड़ा सुंदर स्वस्ति वाचन कराया, और स्वस्ति वाचन के बाद में जात कर्म संस्कार जो होता है, जन्म के बाद जो जो कर्म कराने अति आवश्यक होते हैं, बाबा ने वो भी कराए। कारयामास विधिवत पित्री देवार्चनम तथा, बाबा ने अपने पितर पूर्वजों का भी स्मरण करके उनके लिए भी जो जो आवश्यक है संत ब्राह्मणों से कराना, वो भी कराया। और फिर धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, लाखों की संख्या में काम धेनु गैया मैया सुंदर सजाया गया, सोने के सींग लगाए गए, चांदी से खुर सजाए गए, और ब्राह्मणों को और संतों को दान दी गई। तिलाद्रीन सात पहाड़ तिल के बनाए बाबा ने, वो भी दान कर दिए। इतने से भी मन नहीं भरा बाबा का, तो बाबा ने अपने सारे भंडार खोल दिए, सारा खजाना खोल दिया। अरे भैया ब्रजवासियों ले जाओ, लूट लूट करके ले जाओ। तो आज सब ब्रजवासी बिल्कुल वैसे ही लूट मचा रहे हैं जैसे कल आप लोग मचा रहे थे। तो लूट मचाना कोई बुरी बात नहीं है भाई, ये लूट मार चालू करी कौन है? ये लूट मार जो है हमारे लाला के आने की खुशी में नंद बाबा ने चालू करी। तो जो 5000 वर्ष पुरानी लूटमार चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, जो हमारे ब्लड रिलेशन में है, क्योंकि हम भगवान से अलग तो है नहीं, तो फिर हम कैसे छोड़ देंगे? तो सारे ब्रजवासी दौड़ने लगे, कोई सोने के गोडाउन में घुसा, कोई चांदी के में, कोई हीरा जवाहरात मणि माणिक्य अन्य। तो सोने वारे ने सोने की बोरी भरी, चांदी वारे ने चांदी की बोरी भरी, और जिसको जो हाथ लगा बस फटाफट बोरी कट्टा तोलिया पिछोरिया पिछोरा, और काऊ पे कछूना है तो अपने ही लत्ता उतार ले और उतार के वो नहीं भल लो। बुरसठ जानते हो? बुरसठ ब्रजवासियों का शब्द है, ये जो शर्ट पहनते जईते कहते हैं बुरसठ। तो काऊ ने अपनी बुरसट उतारी और बाहों में थोड़ा इधर बांध दिया उधर बांध दिया, और बटन लगाई
थोड़ा गले में बांध दिया और वही कट्टा बन गया, वही बोरी बन गई, उसी में भर लिया और भर करके ले करके जा रहे हैं। तो सोने वाले जो लोग थे, लूटने वाले जो ब्रजवासी थे, वो सबसे पहले टूटे और सबसे आगे बोरी ले करके चले गए। अब बोरी इतनी भारी है कि चल नहीं रही, तो कहूँ सोचा कि चलो यार दो चार मिनट आराम ही कर लिया जाए, नेक सीरक सी ले ली जाए। तो सीरक लेवे के ताई एक वृक्ष के नीचे दो चार सोने की बोरी भरे हुए ब्रजवासी लाला बैठे भय सहताए रहे हैं। पीछे से आए दो चार चांदी वांदी की बोरी भर के, तो चांदी वाले बड़े खुश हैं कि हम चांदी की बोरी भर के लाए हैं, और सोने वाले अपने मन में खुश हैं कि हम सोने की बोरी भर के लाए हैं। अब जैसे ही मुलाकात हुई तो चौरे हरिवल्लभ, भैया तू क्या लेकर के आया है? मैं महाराज सोना लेके आया हूं। हाँ, तो जैसे ही सोने का नाम सुना राहुल ने, हे भगवान हम तो बाबरे है गए, इतनी मेहनत करी हमने, ये सोने की बोरी भर के ले आयो और हम जो है या चांदी की बोरी में ही रह गए। तो बेचारे को बड़ी जोर से झटका लगा, वाने अरे भैया तू बताइयो ने कि सोने का गोडाउन कौन सा था, कै नंबर गेट था? तो बस सोने वाले ने बताई कि चार नंबर गेट था। अरे राम राम, हम तो छह नंबर गेट पे पहुंच गए। कोई बात नहीं, चांदी की बोरी वहां ने वहीं पटक दी और फिर दौड़ लगाई, फिर से सोने की बोरी भर के लाए। अब सोने की बोरी भर के लाए, फिर सैताने लगे, एक आध किलोमीटर चल के पीछे से कोई हीरे जवाहरात की बोरी भर के चला आया, वो भी ब्रजवासी। अब हीरे की बोरी लाया तो वहां ने पूछी, हाँ भैया राहुल तू कहाँ लायो? अरे सोने की बोरी भर के लायो। तू कहाँ लायो? अरे मैं कहाँ लायो, तू अपने आप ही देख ले। तो जैसे ही हीरे जवाहरात की बोरी का मुंह खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई, हे भगवान ये हीरे जवाहरात लाला कौन से गेट पे बट रहे, मैं तो ठगा गया। वहां ने सोने की बोरी मुई पटक दई और अब जो है हीरे जवाहरात लेवे के ताई फिर दोबारा दौड़ लगाई। वो हीरे जवाहरात भर के लाया, इतनी देर में दीपू ब्रजवासी चला आया। हाँ भैया तू का लायो? अरे छाती चौड़ी करके, अरे मैं हीरे जवाहरात लेके आयो। अच्छा दिखाइयो। दिखाए तो हीरे जवाहरात से बोरी भरी पड़ी। लाला तू का लायो? मैं? तू अपने आप ही देख ले। अब जैसे ही वहां की बोरी खोली तो वहां में इतने सुंदर मणि माणिक के जिनको देख करके आंखें भी चौंधिया जा रही हैं, ऐसी रंग बिरंगी जिनके अंदर से माने एक एक नग की कीमत का अंदाजा लगाने वाला कोई संसार में है नहीं, ऐसे बेस कीमती रत्न मणि माणिक। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन नंद बाबा ने इतना खजाना लुटाया लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है, कम ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण लाला लाली का जन्मोत्सव नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री हरि का जन्मोत्सव है और भगवान श्री हरि का जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो तो भैया हमारी श्री लक्ष्मी जी आए बिना कैसे रह सकती हैं? तो लक्ष्मी जी नंद बाबा के भवन में साक्षात विराजमान है। लक्ष्मी जी आकर के कृपा कर रही हैं, दोनों हाथों से प्रकट कर रही हैं,
ब्रजवासी और ब्रजांगनाओं के लूटते लूटते हाथ पाम भूल गए, सांस भूल गई, पछार खाए के जाए परे, न जाने कै कै बार बोरियां की बोरियां भर के ले गए। लेकिन काऊ पे नंद बाबा को खजानो आज तक खाली ना भयो। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के यहाँ नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। तो हम कह रहे थे एक दिन कि यदि हमारे घर में, एक दिन क्या, कल की कथा में ही कह रहे थे कि हमारे घर में किसी लाला लाली का जन्म हो, कोई बालक जन्म ले, तो हमारे हृदय में कितनी प्रसन्नता होती है, कितना आह्लाद होता है। तो उस प्रसन्नता में हम भी संत ब्राह्मणों को और गौओं को खूब लुटाएं, जितना हमारी योग्यता है, जितनी हमारी क्षमता है, उसके आधार पर खूब दान करें, खूब धर्म करें, खूब सेवा करें और खूब भंडारे करें, खूब दक्षिणा दें संत ब्राह्मणों को। क्यों? क्योंकि ऐसी खुशी में किया गया जो दान धर्म है वो अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो नंद बाबा को तो अक्षय पुण्य प्राप्त हो गया है, भगवती लक्ष्मी साक्षात आकर के विराजमान हो गई हैं, तो भैया नंद बाबा का खजाना कैसे खाली हो जाएगा? कोई एक बोरी लेके जा रहा है तो लक्ष्मी मैया चार बोरी वहां प्रकट कर रही हैं। दान करने से, लुटाने से, सेवा करने से कभी घर में कमी नहीं आती। यदि कमी आई होती तो नंद बाबा का खजाना खाली हो जाता। क्यों सुनीता जी, हो जाता कि नहीं? तो नंद बाबा का खजाना खाली क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि नंद बाबा ने खूब लुटाया, मन से लुटाया। तो देखो तुम्हारे घर, तुम्हारे इस गुरु ग्राम में, इस बसई में, इस लाला से बढ़कर के और कौन से लाला का जन्मोत्सव आपको चाहिए लुटाने के लिए? इससे भी बड़ा कोई लाला हो सकता है? सबसे बड़ा लाला तो यही है। खूब दिव्य नंदोत्सव मनाया गया। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है एक वर्ष तक नंद भवन में नंदोत्सव मनाया गया, एक वर्ष तक। न जाने कितने ब्रजवासी, न जाने कितनी ब्रजांगनाएं दूर दूर से चले आ रहे हैं। अरे मैया लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया को और बाबा को बधाई दे रहे हैं। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, स्वयं लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। और आशीर्वाद भगवान को भक्त ही दे सकता है, प्रेमी ही दे सकता है। कोई प्रिया अपने प्रियतम को आशीर्वाद दे सकती है और उसका प्रियतम अपनी प्रिया को आशीर्वाद दे सकता है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। आज नंद भवन में लाला को मैया ने इतना सुंदर सजाया है। कई बार वैसे बड़ेपन में तो सबका विवाह होता ही है, ये तो कॉमन सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोई युवा हो जाए तो शादी विवाह होता ही है, दूल्हा उसे बनाया ही जाता है। लेकिन आज मैया ने नंद भवन में अपने लाला को इतना सुंदर श्रृंगार करके सजाया है कि जितने भी ब्रजवासी, जितनी भी ब्रजांगना आ रही हैं, वो लाला को देख करके आश्चर्यचकित हैं, दंग हैं कि पहले ही इतने सुंदर हैं। और आज तो लाला को इतना सुंदर मुकुट, इतना सुंदर सहरा सजाया है, इतना सुंदर भगवान को बनाया है कि आज उनके हृदय से ये भाव रुक नहीं रहा कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और अपने मन ही मन में ब्रजवासी और ब्रजांगनाएं कह रही हैं,
तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे 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 लगे दुल्हा सा दिलदार 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 सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे जय हो अरे आनंद लेते हुए मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया 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 मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत महकाया 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 महकता रहे दरबार सांवरे महकता रहे दरबार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे ताली सेवा करते हुए से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया
रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे वो दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आनंद लेते हुए सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं हर बार सांवरे, नचाता रहूं हर बार सांवरे। नचाता रहूं हर बार सांवरे, नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आनंद से गाइए दया की दृष्टि कर दे मैं तुमको पा जाऊं। आज दया की दृष्टि कर दे मैं तुमको पा जाऊं। आज दया की दृष्टि कर दे मैं तुमको पा जाऊं। आज दया की दृष्टि कर दे मैं तुमको पा जाऊं। तन मन सब कुछ भेंट चढ़ा कर तुम पर वारी जाऊं। तन मन सब कुछ भेंट चढ़ा कर तुम पर वारी जाऊं। तन मन सब कुछ भेंट चढ़ा कर तुम पर वारी जाऊं। तन मन सब कुछ भेंट चढ़ा कर तुम पर वारी जाऊं। मैं जाता रहूं बलिहार सांवरे, मैं जाता रहूं बलहार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार।
तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तो देखो आज हमारे छोटे से लाला को इतना सुंदर सजाया है नंद रानी ने और बाबा ने कि जो भी ब्रजांगना आ रही है जो भी ब्रजवासी आ रहे हैं वो देख करके बलिहारी जा रहे हैं। लाला के मुखार विंद को देख करके उनके सुंदर श्रृंगार को देख करके छोटा सा दूल्हा नजर आ रहा है। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे लाला तू नेक बड़ो हो तो न तुम मैं अपनी छोरी के संग ही ते ब्याह करा देती। कई तो ऐसा सोच रही है लेकिन हम कहा करे हमारी छोरी तो है गई 5 साल की और तू अभी पैदा भयो 10-12 दिन को तो इतनी जल्दी ब्याह है वो संभव ना है लेकिन फिर भी भावना ऐसी है तो ये प्रेम का भाव है और जब प्रेम का भाव होता है तो वहां किसी प्रकार के शाब्दिक अर्थ की आवश्यकता नहीं होती और भगवान को भी आपसे प्रेम ही चाहिए। भगवान को शाब्दिक ज्ञान या शाब्दिक प्रार्थना नहीं चाहिए। यदि शब्दों से ही प्रार्थना होती तो भाई जो गूंगे बहरे हैं जो न सुन सकते हैं और न बोल सकते हैं ऐसे भी बहुत भक्तों को भगवान की प्राप्ति हुई है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जात विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाह किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को भाव वाली भक्ति पसंद है। भगवान न बालक देखते हैं न युवा देखते हैं न बूढ़ा देखते हैं न स्त्री देखते हैं न पुरुष देखते हैं न गरीब देखते हैं न अमीर देखते न जाति पात देखते न कोई बल इत्यादि देखते हैं और ना ही कोई रंग रूप सुंदरता इत्यादि देखते हैं। अन्यथा भगवान कभी इन भक्तों को नहीं मिलते। पवित्रता भी भगवान नहीं देखते। व्याधस्या जंगल में रहने वाला व्याध शिकारी जो 6-6 महीने कभी नहाता नहीं धोता नहीं उसके पास न तेल है न साबुन है न शैम्पू है और न बगलों में फुर्र फुर्र करने वाला वो भी नहीं है। जाते नेकाद नाक में खुशबूई सी आ जाए। वैसे हमें भगवान गोविंद ने ही दूर रखा है इन सब चीजों से। अब आप लोग ये कहोगे कि महाराज जी अपनी बड़ाई कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं लेकिन ये सत्य है। कुछ जीवन के प्रैक्टिकली जो अपने अनुभव होते हैं वो भी कभी कभी शेयर करने चाहिए। हम अपने जीवन में कभी साबुन से नहीं नहाए कभी नहीं नहाए। अपने शरीर में चेहरे पर कभी कोई क्रीम नहीं लगाई कभी कोई वैसा खुशबूदार तेल फेल नहीं लगाया। सरसों का तेल तो लगाते हैं बस। और क्रीम पाउडर और ये फुर्र फुर्र करने वाला ये सब चीजें हमने अपने जीवन में कभी प्रयोग नहीं करी। तो हमारा अनुभव ये है कि इन सब के बिना भी रहा जा सकता है इन सब के बिना भी सुंदर दिखा जा सकता है। पवित्रता बिना साबुन के भी आ सकती है बिना शैम्पू और क्रीम बिना फुर्र फुर्र करे भी आ सकती है।
तो कहने का भाव है कि भगवान इन सब चीजों को नहीं देखते, हम नहीं कर रहे तो उसको भी नहीं देख रहे, तुम कर रही हो या कर रहे हो तो भगवान उसको भी नहीं देख रहे, भगवान को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। कल हम लोगों ने श्रवण किया, 5 वर्ष से पहले ही भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए या ध्रुव जी के दर्शन किए, माने ध्रुव जी तो बालक हैं, 5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है, तो भगवान के लिए बालक युवा और वृद्ध की भी आवश्यकता नहीं है। तो व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। विद्या गजेंद्रस्य का हम लोगों ने देखा कल की कथा में कि एक त्रिकूट नाम के पहाड़ पर्वत में रहने वाला वो गजेंद्र नाम का जो हाथी है, जो गजराज है भाई, उसे भी तो भगवान की प्राप्ति हुई। यदि पढ़े लिखे की आवश्यकता होती प्रार्थना करने के लिए तो गजराज ने भी तो जलाशय में डूबते हुए प्रार्थना ही करी थी भगवान से। तो ये गजराज कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए गया था, या इसके पास कौन सी संस्कृत हिंदी इंग्लिश इत्यादि की डिग्री थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन हृदय का भाव था भाई मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है, आप कौन हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने ये जलाशय बनाया, जिसने ये मगर बनाया, जिसने ये जल बनाया, थल बनाया, नभ बनाया, और ये बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, लताएं, पताएं, माने संसार में जो जो बनाया है, इसके पीछे कोई न कोई कारण है, क्योंकि बिना कारण के कर्म नहीं होता। यदि इसको कोई बनाने वाला नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं बनता, इसलिए इसे बनाने वाला जो भी है, मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूं कि वो आकर के मेरी रक्षा करे। तो गजराज तो भगवान का नाम तक नहीं जानता, तो फिर पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है भगवान से प्रार्थना करने के लिए। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। विद्या गजेंद्रस्य का। अच्छी श्रेष्ठ जाति ब्राह्मण मानी जाती है, तो ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण परिवार में भी उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है भगवान का भजन करने के लिए या भगवत प्राप्ति करने के लिए। केवल ब्राह्मणों ने ही भगवान से मिलने का ठेका नहीं ले रखा है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। विद्या गजेंद्रस्य का जात विदुरस्य यादव पते। अरे विदुर और विदुरानी का की जैसी भगवान द्वारिकाधीश की प्राप्ति तो आज तक किसी ब्राह्मण को नहीं हुई। तो विदुर कोई ब्राह्मण थोड़े ही है, वो दासी के पुत्र हैं जो घरों में काम करने वाली झाड़ू पोंछा रोटी बर्तन इत्यादि करके अपना गुजारा करने वाली दासी, तो वो भी शूद्र जाति के हैं, लेकिन ऐसी भगवान की प्राप्ति हुई जो आज तक किसी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण को नहीं हुई। तो का जात विदुरस्य यादव पते है, उग्रस्य किम पौरुषम। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़े बल की भी आवश्यकता नहीं होती। अरे उग्रसेन जी कोई देख लो, कंस ने पकड़ करके कारागार में डाल दिया, लेकिन कंस का उद्धार करके भगवान जब गए महल में तो सबसे पहले उन्हीं को जा करके अपनी भुजाओं में लपेटा, भगवान ने गले लगाया। उग्रस्य किम पौरुषम। और भगवान यदि किसी सुंदर को मिलते होते तो कुब्जायाह किम तत्र रूपम अधिकम। कुब्जा के पास कौन सा सुंदर रूप है, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन फिर भी
भगवान ने कुब्जा के ऊपर ऐसी कृपा करी जो आज तक किसी के ऊपर नहीं करी है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो कुब्जायाह किम तत्र रूपमधिकम किम तस्सु दामनो धनम। श्री सुदामा जी के पास तो धोताएं खाए लही सांझ को मिलेंगी कि ना मिलेंगी जब बात की कोई पक्की गारंटी ना है और काउ काउ ना तो मिलती ना है। पानी फानी को भोग लगाए कि खुद पानी पी के ही रह जाते हैं। तो भगवान को पाने के लिए धन होना भी आवश्यक नहीं है। केवल धनवान को ही भगवान मिलते तो फिर सुदामा जी जैसी प्राप्ति आज तक किसी को नहीं हुई। इतने गरीब को भगवान मिले जिसके पास दो वक्त की भोजन व्यवस्था के लिए भी कोई गारंटी नहीं है कि कल मिलेगी कि ना है, सांझ मिलेगी कि ना है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि भगवान सबकी सुनते हैं। पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना केवल शब्दों से ही नहीं होती, प्रार्थना हृदय से होती है, हृदय के भाव से होती है। उस भाव को आप अपने अंदर जागृत करो तो तुम्हारे यहां भी नंद के लाला तुम्हारी आत्मा में बैठे हुए तुम्हारे आत्मज ठीक उसी तरह से तुम्हारे घर में तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे जैसे नंद बाबा के यहाँ नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर लंकृत वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्म जस्य वै कारयामास विधिवत पित्री देवार्चनम तथा धेनूनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ सात कौम्भाम्बरावृता। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासहस्र कंठाभरण भूषिता। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं हे राजन, नंद रानी के साथ में रोहिणी महारानी, रोहिणी मैया भी बड़ी भाग्यवान है जिनके पास हमारे कन्हैया के बड़े भैया दाऊ भैया जो एक वर्ष पहले ही भगवान ने भेज दिए हैं तो उन्हें भी भगवान की प्राप्ति हुई है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। रोहिणी मैया के पास भी लाला है, अब नंद रानी के माध्यम से भी लाला आ गए तो दो दो लाला हो गए, एक बड़े भैया और दूसरे छोटे भैया। कई लोग कहते हैं कि भगवान का भजन हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। भाई भगवान का भजन करने की अभी क्या आवश्यकता है? भगवान का भजन करने की आवश्यकता तो बुढ़ापे में पड़ती है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। अभी तो हम युवा हैं, जवान हैं, अरे अभी ठहाके मारने की उम्र है, खाएवे पीवे की मौज मस्ती करवे वारी उम्र है। अभी तो हम घूमेंगे फिरेंगे, दुनियादारी का आनंद लेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। तो देखो भैया, तुम बूढ़े होगे या नहीं होगे इस बात की कोई जिम्मेदारी कोई गारंटी नहीं है किसी के पास। कौन कब संसार से चला जाए और अंत में भी कल्याण उसी का होता है, अंत में भी भगवान की याद उसी को आती है जो जमानी से और बचपन से ही भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा सुनता है,
दान धर्म पुण्य इत्यादि सत्कर्म करता है, अंत समय में भी भगवान ऐसे ही जीव के ऊपर कृपा करते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो अब आप बताओ कि भजन जो है तुम या जवानी में करोगी या फिर बुढ़ापे का इंतजार करोगी। देखो जो भी होता है ना संसार में हम लोगों से, वो जवानी में ही होता है। बुढ़ापे में तो सिवाय दर्दों के, रोने के और टांगनाएं सूदी है रही, घोटूनाएं सूदो पर रो और मेरे न्या दर्द है रो, कबू कोठा ना उठ रो, रात को सोए गए तो नार उठ गई, अब जाए सूदी करवे भी बड़ी देर लगेगी। तो बुढ़ापे में तो अनेकों प्रकार की समस्याओं से शरीर जूझता है।